दोस्तों आज हम बात करेंगे LG के 1-ton 3-star AC के बारे में और हम आप सभी को इसमें बताएंगे कि यह जो AC है वो आपको इंश्योरेंस कराने में कितने चार्जेस लगेंगे, साथ में जो इस AC को आप यूज़ करेंगे तो आपका महीने में कितने का बिजली बिल आएगा और यह जो AC है वो आपके रूम के साइज़ के हिसाब से परफेक्ट रहेगा या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा अंत तक आप देखते रहेगा। यह जो AC हमारे फ्रेंड ने बाई किया था तो हमने उनसे रिव्यू लेकर के सारी चीज़ें पता करके इस AC के बारे में अच्छी और बुरी चीज़ें सारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों अगर आप इस AC को बाई करने का सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल ही सही समय रहेगा। यह जो AC है वो अभी ऑनलाइन काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। इस AC का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इस AC को ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। ओके, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ फोटोज क्लिक कर ले, आपको दिखाते हैं और AC का रिव्यू कर देते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप लाइफ में फर्स्ट टाइम AC बाई कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मुझे वहां पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, मैं आपकी मदद कर दूंगा। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस AC के बारे में कि इस AC को यूज़ करने के दौरान हमारा महीने का कितने का बिजली बिल आएगा। तो जनरली जो है ना लोग दिन भर में 8 घंटे यूज़ करते हैं, तो 3 घंटा यूज़ करने में जो है ना इसका 1 यूनिट बिजली खर्च होता है। उस हिसाब से जो है ना दिन भर में जो है यह लगभग 2.5 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा अगर आप 8 घंटे यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से जो है ना महीने का 500 से 600 रुपये तक का बिजली बिल आएगा इस AC को यूज़ करने के दौरान। यह जो AC है वो 40 डेसिबल से नीचे साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। AC को यूज़ करोगे तो आपको नॉइज़ जो है ना इस AC में नहीं निकलता है, यानी कि ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है वर्क करते समय बेसिकली।